Welcome in our today's lecture. In today's lecture, I will solve the problems from textbook. So, here we go. We will continue with exercise 9.2. जो हमारी exercise 9.2 है, we will continue with that. This my exercise. Exercise 9.2. I will continue with this exercise. I will start today. मैंने आपको कहा था कुछ questions आप खुद भी कीजिए. मैं question number 5 दिखाता हूँ. Question number 5 ये कह रहा है कि एक arithmetic progression में pth term, that's 1 by q, और जहाँ हमारे पास qth term है, aq, that's equivalent to 1 by p. Show that p into qth term is, हमें ये दिखाना है, p into qth term is, apq, वो होनी चाहिए, 1 divided by 2, pq plus 1, where p is not equal to q, where p is not equal to q, ये हमें दिखाना है, मतलब ये हमें दिखाना है, p into qth term, आपके पास nth term of any arithmetic progression होती है, एन इज इक्वल टू, पहले मैं कैमरा की ओर देखता हूं, हाँ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, दिस माय एनथ टर्म. अब अगर मुझे ए पी क्यू वाली टर्म चाहिए तो मैं एन के बदले लिखूंगा पी क्यू, दैट विल बी ए प्लस पी क्यू माइनस वन टाइम्स डी. तो यहां पर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो मुझे मिलेगी पी क्यू वाली टर्म. तो मैं देखता हूं, सो होल ऑफ माई जितनी भी मैं कैलकुलेशन करूंगा उसमें मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करूंगा. अब अगर आपके पास दिया है ए पी, पीएथ टर्म इज वन बाई क्यू, एन होती है ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ए पी क्या होगा, ए पी माइनस वन टाइम्स डी, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू. ए क्यू क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी, and that is equivalent to 1 by p. I will name it first, I will name it second, then after I will subtract second from first, subtracting second from first. So when I will subtract second from first, what I will get, left hand side ko left hand side subtract hoga, means jo aapke paas a times p minus 1 times d hai, jo left hand side equation first ka hai, isko left hand side equation second ka subtract ho jayega. ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी, और जो राइट हैंड साइड फर्स्ट का है उसको राइट हैंड साइड सेकंड का सब्ट्रैक्ट होगा, वन बाई क्यू को सब्ट्रैक्ट होगा वन बाई पी. सो मैं कैमरा की ओर देखता हूं, वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी, हाँ ठीक है. सो व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट, देख लीजिए माइनस अंदर जाएगा, बनेगा ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस ए माइनस क्यू माइनस वन टाइम्स डी, ये पी इधर जाएगा क्यू उधर जाएगा, बनेगा पी माइनस क्यू अपॉन इन दोनों का एलसीएम, वो पी क्यू आ जाएगा. सो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस वन टाइम्स डी, क्यू माइनस वन टाइम्स डी, डी यहां पर भी, डी यहां पर भी, डी को हम बाहर निकालते हैं, तो मैं लिखता हूं खाली पी माइनस वन, बीच में माइनस, फिर मैं लिखता हूं क्यू माइनस वन, और मैं D को बाहर निकालने जा रहा हूं, मैंने निकाला, और यहां पर क्या बचेगा, P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है. और जब मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा, बनेगा P माइनस वन माइनस क्यू, माइनस माइनस इज प्लस वन टाइम्स D, दैट इज इक्वल टू P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, माइनस वन और प्लस वन चला जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू P माइनस क्यू टाइम्स डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, योर डी विल बी इक्वल टू पी माइनस क्यू विल गो वन अपॉन पी इंट क्यू, वेरी गुड. सो आई गॉट द कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू. मैं ये डी का वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा या सेकेंड में, आई विल गेट नाउ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मुझे मिलेगी फ्रॉम फर्स्ट, मैं फर्स्ट में डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, फ्रॉम फर्स्ट पुट डी इज इक्वल टू वन अपॉन जो आपको मिला पी इंट क्यू, देखते हैं हमें क्या मिलेगा.
सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट, पहली टर्म तो ऐसी रहेगी, ए प्लस पी माइनस वन ऐसी रहेगा, और डी के बल्ले आपको लिखना है वन अपॉन पी क्यू, वन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू, और ए ए प्लस ये वन अपॉन पी क्यू इंटू पी, वो बनेगा पी अपॉन पी क्यू माइनस वन इंटू वन इज वन, वन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू। फिलहाल यहां तक ठीक है, ठीक है। सो पी और पी विल गो, आई विल गेट ए प्लस वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू, वन अपॉन क्यू, वन अपॉन क्यू विल गो, सो ए माइनस वन अपॉन पी क्यू आएगा, यहां से तो कुछ नहीं बचेगा, दैट इज जीरो, सो आई विल गेट ए इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू। तो जितना डी मिला उतना ए बी मिला, सो फर्स्ट टर्म इज वन अपॉन पी क्यू, कॉमन डिफरेंस इज वन अपॉन पी क्यू, मुझे पी क्यू टर्म ढूंढनी है, पी क्यू वाली टर्म मुझे ढूंढनी है। तो जो आपके पास पी क्यू वाली टर्म होगी ए पी क्यू फुल, या एनथ टर्म होगी, एनथ टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। अगर मैं एन का वैल्यू डालूंगा पी इंट क्यू, तो बनेगा ए प्लस पी क्यू माइनस वन टाइम्स डी, तो ये बनेगा ए प्लस पी क्यू माइनस वन टाइम्स डी। ए मैं अपनी जगह रखूंगा, ए का वैल्यू सॉरी दैट इज वन अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन ऐसे ही, इंटू डी का वैल्यू वन अपॉन पी क्यू, ठीक है। सो देखता हूं मैं आप मुझे क्या मिलेगा, सो दिस इज फर्दर इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू इंटू वन अपॉन पी क्यू, वो बनेगा पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन पी क्यू, वो बनेगा वन अपॉन पी क्यू। एक मिनट भाई, मुझे क्या दिखाना था, शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, सॉरी मुझे सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स निकालना, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स की फॉर्मूला एस एन तो हमारे पास होता है, दैट्स एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ठीक है। अभी एन का वैल्यू मैं पी क्यू डालूंगा, सो आई विल गेट सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, एस पी क्यू इज इक्वल टू एन का वैल्यू पी क्यू, आएगा पी क्यू अपॉन टू इन टू टू टाइम्स ए का वैल्यू आ गया वन अपॉन पी इंट क्यू प्लस एन का वैल्यू पी क्यू माइनस वन, और डी का वैल्यू वन अपॉन पी क्यू, वो डिवाइड में जाएगा, वेरी गुड। सो यहां तक ठीक है आई थिंक, सो दिस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन टू, ये बनेगा टू अपॉन पी क्यू प्लस ये पी क्यू इसको अलग से डिवाइड लगेगा, इसको अलग से डिवाइड लगेगा, बनेगा वन माइनस वन अपॉन पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू। हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास है पी क्यू, इससे मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बनेगा वन अपॉन टू, ऐसे ही बनेगा पी क्यू और पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, टू प्लस पी क्यू इंटू वन दैट्स पी क्यू, ठीक है, माइनस पी क्यू इंटू वन अपॉन पी क्यू दैट इज वन, सो दिस इज फर्दर इक्वल टू वन अपॉन टू, मैं ऐसे लिखूंगा टू माइनस वन इज वन प्लस पी क्यू, मैं ऐसे लिखूंगा, तो आ गया जो मुझे प्रूव करना था, सम ऑफ द पी क्यू टर्म्स इज वन अपॉन टू वन प्लस पी क्यू, यही हमें प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज, मतलब ना कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी एन टर्म्स का सम एस एन दिया है, इस वक्त एन टर्म्स का सम है पी क्यू प्लस क्यू टाइम्स एन स्क्वायर, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी कॉमन डिफरेंस मुझे निकालनी है। देख लीजिए, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, एनी सीक्वेंस अगर मैं लूंगा,
अगर मैं उसकी एन टर्म्स का सम करूंगा, मिसाल के तौर पर एस एन, वो आएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, एन टर्म्स का सम जो एनथ टर्म आएगी वो आएगी ए एन, उससे पहले वाली टर्म क्या आएगी एन माइनस वन। सो एस एन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स है ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 अप टू ए एन। अब अगर मैं उसी सीक्वेंस की एन माइनस वन टर्म्स का सम ढूंढूंगा वो क्या आएगा, अब एन टर्म्स का सम नहीं एन माइनस वन टर्म्स का सम ढूंढना है, यहां से यहां तक ही सम मुझे करना है, मीन्स ए वन उसको मुझे ऐड करना है ए टू उसको मुझे ऐड करना है ए थ्री प्लस डॉट 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 उसको मुझे ऐड करना है ए एन माइनस वन। आई विल नेम इट फर्स्ट, आई विल नेम इट सेकेंड। अगर मैं सेकेंड फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेट सी वॉट विल हैपन, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, इस क्वांटिटी को ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, ए वन ए वन विल गो, ए टू विल गो, ए थ्री विल गो, डॉट डॉट डॉट, ए एन माइनस वन विल गो, एन माइनस वन टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएंगी, आई एम ओनली लेफ्ट विथ एनथ टर्म। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस हो, अगर मैं सम ऑफ एन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, आई विल गेट द एनथ टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस। जिस तरह फॉर एग्जांपल सम ऑफ थ्री टर्म्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा सम ऑफ टू टर्म्स, आई विल गेट द थर्ड टर्म। अगर मैं सम ऑफ 100 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा सम ऑफ 99 टर्म्स, आई विल गेट 100th टर्म। इट इज लाइक दैट। अब मुझे पहले कॉमन डिफरेंस निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले मैं यहां पर nth टर्म निकालूंगा बाय द सेम टेक्निक। अगर मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स दिया है बाय दिस फॉर्मूला, मैं सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स भी निकाल सकता हूं, बिकॉज मैं n को रिप्लेस करूंगा n माइनस वन से, मुझे सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स निकलेगा, मीन्स एस एन माइनस वन वो आएगा पी इंटू क्यू। एक मिनट, ये एक्चुअली पी इंट क्यों नहीं है यहां पर, ये एक्चुअली पी इंट एन है यहां पर, पी इंट एन यहां पर सम ऑफ द एन टर्म्स। अगर मुझे सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स निकालना है तो मैं एन को रिप्लेस करूंगा एन माइनस वन से, प्लस क्यू टाइम्स एन को रिप्लेस करूंगा एन माइनस वन से का होल स्क्वायर। आई विल नेम इट फर्स्ट, आई विल नेम इट सेकंड। फिर आप बताओगे सर आपने हमें अभी बताया कि अगर हम ऐसे करेंगे ना एस एन माइनस वन, ये हमें nth टर्म देगी, तो आई एम गोइंग टू डू द सेम सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो मेरे पास nth टर्म आ जाएगी एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन आपके पास ये है, उसको ये सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स जो आपके पास एस एन है दैट्स पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पी टाइम्स एन माइनस वन प्लस क्यू टाइम्स एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल गेट द nth टर्म। सो दिस इज इक्वल टू पी एन मैं ऐसे लिखूंगा प्लस क्यू एन स्क्वायर मैं ऐसे लिखूंगा, इंडीड माइनस मैं ऐसे लिखूंगा, पी से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बनेगा पी एन माइनस पी प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू एन। फिर क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा ना क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू क्यू एन। ठीक है, अभी तक ठीक है। सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू पी एन मैं ऐसे लिखूंगा प्लस क्यू एन स्क्वायर भी मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस अंदर चला जाएगा, बनेगा माइनस पी एन, माइनस माइनस प्लस पी, माइनस प्लस इज माइनस क्यू एन स्क्वायर, प्लस माइनस इज माइनस क्यू, माइनस माइनस इज प्लस टू क्यू एन, माइनस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर विल गो, और कुछ चला जाएगा माइनस पी एन प्लस पी एन विल गो, आई एम ओनली लेफ्ट विद, देख लीजिए मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, ये मुझे मिल रहा है, क्या मुझे मिल रहा है एनथ टर्म। एनथ टर्म इज ए एन इज इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, वेरी गुड, सो आई गॉट द एनथ टर्म। मगर आप पूछेंगे सर nth टर्म नहीं निकालनी थी, वी हैड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालनी थी, तो
तो कॉमन डिफरेंस कैसे हम निकालेंगे? अगर मैं कोई भी टर्म लूंगा, एनिथ टर्म, सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म, कांट यू गेट द कॉमन डिफरेंस डी? दिस टाइम यू हैव द एनिथ टर्म, ए एन इज इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, ठीक है। अगर मैं एन माइनस वनथ टर्म ढूंढ पाया, फिर मैं ए एन में से वो सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल गेट द कॉमन डिफरेंस, बिकॉज एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म गिव्स मी द कॉमन डिफरेंस इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आई एम गोइंग टू फाइंड ए एन माइनस वन, वो आएगा पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू, एन को रिप्लेस करूंगा मैं एन माइनस वन से, आई विल नेम इट एल्फा एंड आई विल नेम इट बीटा, सब्ट्रैक्टिंग बीटा फ्रॉम एल्फा, आई विल गेट द कॉमन डिफरेंस डी, एन माइनस ए एन माइनस वन। एनथ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे एन माइनस वन टर्म, एनथ टर्म इज, हैव पेशेंस विद मी, पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू है, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसकी एन माइनस वनथ टर्म होगी, दैट्स पी माइनस क्यू प्लस टू टाइम्स क्यू एन माइनस वन, ये मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। देन आफ्टर चलते जाएंगे, सो दिस इज फर्दर इक्वल टू पी माइनस क्यू ये वाला प्लस टू टाइम्स क्यू एन, माइनस को अंदर में ले जाऊंगा, बनेगा माइनस पी प्लस क्यू, प्लस माइनस इज माइनस, टू क्यू एन बनेगा टू क्यू एन, माइनस माइनस इज प्लस, टू क्यू इंटू वन इज टू क्यू प्लस टू क्यू, ठीक है, प्लस पी माइनस पी इट विल गो, माइनस क्यू प्लस क्यू इट विल गो, प्लस टू क्यू एन माइनस टू क्यू एन इट विल गो, सो आई एम गेटिंग टू क्यू। सो आपके पास डी है, दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स क्यू, कॉमन डिफरेंस इज टू टाइम्स क्यू। एक बात मुझे आप लोगों से करनी है कि अगर आपके पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये शॉर्टकट है आप लोगों के जेई के लिए, उसकी जो एनथ टर्म होती है एन, वो हमेशा होती है पी एन प्लस क्यू की फॉर्म में। कोई भी एनथ टर्म आप इस फैशन में रख सकते हो, कोई भी एनथ टर्म, फिर जो एन के साथ ये नंबर होता है ना, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस होगी। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसकी एनथ टर्म अगर आपने इस फॉर्म में लाई पी एन प्लस क्यू, उसकी एनथ टर्म तो होती है इस फॉर्म में, तो जो एन का सामने कोएफिशिएंट होता है ना, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, ये आप याद रखें। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूंगा द एनथ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एन इज इक्वल टू थ्री एन प्लस टू, तो जो एन का कोएफिशिएंट होगा थ्री, दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस, दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, बस हो गया। आपको ए एन माइनस वन करना ही नहीं है जेई के एग्जाम, बिकॉज दे विल नॉट सी व्हाट दे हैव टू डू विद दिस, दे नीड द आंसर देयर। देन आफ्टर, अब अगर मैं सम ऑफ एन टर्म्स लूंगा, उसको अगर मैं फैशन में लाऊंगा, वो इस फैशन में हमेशा आ जाता है, दैट इज एन स्क्वायर प्लस बी एन, जो एन स्क्वायर का कोफिशियंट होता है उसको अगर आप टू से मल्टीप्लाई करोगे, means 2 times a, that will be the common difference. Please note down these points. That will be the common difference. अभी देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास दिया था sum of the n terms that is equal to pn plus qn square. Sum of the n terms sn is equal to pn plus qn square. तो जो n square का coefficient होता है q, इसको आपको 2 से multiply करना है, क्या बनेगा 2q, ये होगी कॉमन डिफरेंस। क्या हमें वही नहीं मिला इतना काम करने के बाद? हम दो मिनट में बता सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, वो तो हमेशा इस फॉर्म में होगा 3n प्लस, फॉर एग्जांपल 4n स्क्वायर, आपको n स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना है, दैट्स 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस, 4 into 2 8, 8 इज द कॉमन डिफरेंस। सो दिस इज द शॉर्टकट, यू कैन यूज दीज शॉर्टकट्स इन जेई to find the sum of the, to find the common difference. So, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, कि कह रहा है कि if the sum of n terms of n, हाँ, if the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio of 5n plus 4 is to 9n plus 6, find the ratio of their
18th टर्म्स, मेरे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, मिसाल के तौर पर ए ए प्लस डी डॉट डॉट डॉट, ऐसे में चलते ही जाऊंगा। ये पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी पहली टर्म होगी कैपिटल ए, जरूरी नहीं है वो स्मॉल ए होगी। दूसरी टर्म होगी उसकी कैपिटल ए प्लस डी डॉट डॉट डॉट, जिसकी nth टर्म आएगी टी एन। फॉर एग्जाम्पल इसकी nth टर्म में स्मॉल एन से डिनोट करता हूँ, इसकी nth टर्म में सम ऑफ देयर एन टर्म्स, एस एन से मैं इसकी सम ऑफ एन टर्म्स डिनोट करता हूँ। एस एन प्राइम से आई विल डिलीट द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन एस एन अपॉन एस एन प्राइम का रेशियो दिया है मेरे पास, द रेशियो इज गिवन टू बी 5n+4 अपॉन 9n+6। ये दो अर्थमेटिक रेशियोज के सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दिया है। मुझे रेशियो निकालना है दियर 18th टर्म्स का, कैसे मैं ढूंढूंगा, दैट इज द प्रॉब्लम, हाउ आई विल फाइंड। देख लीजिए, फिलहाल आप इसको भूल जाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एन टर्म्स का सम ढूंढना चाहता हूँ, वो क्या आएगा आप बताओगे? सर एन बाई टू, टू टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एन टर्म्स का सम ये आएगा, डिवाइडेड बाई जो मेरे पास सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें सम ऑफ एन टर्म्स का सम क्या आएगा, उसकी पहली टर्म है कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस है डी, वो आएगा एन डिवाइड बाई टू, एन तो एन ही है, सम ऑफ एन टर्म्स में ले रहा हूं, टू टाइम्स कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स कैपिटल डी, ये और ये चला जाएगा। आई विल गेट द रेशियो लाइक दिस, टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी होल अपॉन टू टाइम्स कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स कैपिटल डी। ये मुझे क्या मिल गया, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। मैं एक काम करता हूं, आप वो याद रखो, मैं क्या करता हूं, मैं एन को रिप्लेस करूंगा टू एन माइनस वन से, आई विल रिप्लेस एन बाई टू एन माइनस वन, फिर देखते हैं क्या होगा। जब मैं एन को रिप्लेस करूंगा भाई टू एन माइनस वन, एन के बल्ले आएगा टू एन माइनस वन अपॉन एस प्राइम, एन के बल्ले आएगा टू एन माइनस वन, टू ए मैं ऐसे लिखूंगा, एन के बल्ले आएगा टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन अपना माइनस वन ऐसे टाइम्स डी होल अपॉन टू टाइम्स कैपिटल ए, एन के बल्ले आएगा टू एन माइनस वन टाइम्स डी, और जो आपके पास एस टू एन माइनस वन आएगा सम ऑफ टू एन माइनस वन टर्म्स अपॉन सम ऑफ टू एन माइनस वन टर्म्स दूसरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये नहीं आएगा टू ए प्लस, ये नहीं बनेगा टू एन माइनस टू, टू एन माइनस टू, प्लीज हैव पेशेंस विद मी, सी व्हाट आई विल गेट, टू टाइम्स कैपिटल ए प्लस टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन वो नहीं बनेगा टू एन माइनस टू टाइम्स कैपिटल डी। आप अगर ऊपर से टू कॉमन निकालोगे नीचे से टू कॉमन निकालोगे, जरा मुझे बताओ क्या आएगा, आएगा ना ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी होल अपॉन कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स कैपिटल डी। व्हाट वाज दिस, दिस इज द nth टर्म ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेट दैट बी इट। व्हाट इज दिस, दिस इज द nth टर्म ऑफ सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेट दैट बी ए एन प्राइम। सो अगर आपके पास रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स दिया गया होगा दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर आप उसमें एन को रिप्लेस करोगे टू एन माइनस वन से, यू विल गेट द रेशियो ऑफ दियर nth टर्म्स, यू विल गेट द रेशियो ऑफ दियर nth टर्म्स, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अब मेरे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम है रेशियो दिया है, मिसाल के तौर पर लेट द सम ऑफ द फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी डिनोटेड बाई एस एन, लेट द सम ऑफ द सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी डिनोटेड बाई एस एन प्राइम, द सम इज गिवन टू बी, ये आप खुद लिखेंगे, लेट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी डिनोटेड बाई एस एन, सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी डिनोटेड बाई एस एन प्राइम। देन इट इज गिवन दैट द रेशियो ऑफ द सम इज 5n+4 अपॉन 9n+6, ये आपके पास दिया है।
सो वट आई नीड टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 18th टर्म्स. मैं 18th टर्म्स का रेशियो नहीं ढूंढूंगा, मैं nth टर्म्स का रेशियो ढूंढूंगा. आपको पता है यू आर कंफर्टेबल विद द टेक्निक, यू आर प्लेस एन बाई टू एन माइनस वन. वेन आई विल रिप्लेसिंग एन बाई टू एन माइनस वन, वी विल गेट, ये लिखना है, वी विल गेट रेशियो ऑफ दियर nth टर्म्स. मीन्स मेरे पास फिर आएगा ए एन अपॉन ए एन माइनस वन. जब मैं यहां पर एन को रिप्लेस करूंगा टू एन माइनस वन से, बनेगा फाइव टाइम्स टू एन माइनस वन प्लस फोर होल अपॉन नाइन टाइम्स टू एन माइनस वन प्लस सिक्स. वेरी गुड. सो व्हेन आई विल गेट द रेशियो ऑफ दियर nth टर्म्स, फिर मैं एन का जो वैल्यू चाहूं वो दे सकता हूं. मैं अगर इनका वैल्यू 18 दूंगा, आई विल गेट द रेशियो ऑफ दियर 18th टर्म्स. तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन में करूंगा, 5 इंटू 2 हो गया 10, एन माइनस 5 प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4 हो गया माइनस 1, 9 इंटू 2 दैट इज 18 टाइम्स एन, माइनस 9 प्लस 6 दैट इज माइनस 3. सो रेशियो ऑफ दियर 18th टर्म्स एन, रेशियो ऑफ दियर nth टर्म्स एन अपॉन एन प्राइम is equal to this. अब आपको किन टर्म्स का रेशियो चाहिए? 18th टर्म्स का रेशियो, put n is equal to 18. When I will put n is equal to 18, I will get a18 upon 18 prime. 10 times n का वैल्यू आएगा 18 minus 1 whole upon 18 into 18 minus 3. You do this for me. For me, do this simple calculation. You will get the ratio of your 18th terms. जितने भी आप बाकी के questions हैं, please do them. This was all about today's lecture. So, जितने भी इस टेक्स्ट बुक में बाकी के क्वेश्चंस हैं आप उनको करेंगे. अर्थमेटिक मीन पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू देम, प्लीज एंड प्लीज, एंड मैसेज मी पर्सनली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. थैंक यू.